Hello and welcome dear students. So here I have come up with another chapter of geography, and the topic here I have included is oceans of the world. So जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं oceans of the world, ठीक है, what we are talking about, we are talking about oceans of the world. देखिए what are oceans? Oceans are large water bodies. Oceans क्या होता है? Large water bodies. It mostly contains 75% of the total earth surface. Okay? And from the outer space, हमारे earth को blue दिखाई पड़ता है. ठीक है? And the most important reason for the color blue of our earth is that 3/4 of the earth is occupied by water bodies. Clear? It doesn't mean that only oceans as a water body exist on earth, but there are lots of other water bodies also, such as lakes, lagoons, rivers, streams, springs. Clear? Okay. Now, so when we talk about oceans, जब भी हम oceans बोलते हैं, so पहला question तो ये arise होता है कि why there is separations? क्यों ये separation किया गया कि oceans अलग है, seas अलग है, reason क्या है और किसने ये separation की है? Question तो arise होता है. So in order to identify different large water bodies, and in order to get the information of different large water bodies, okay, these water bodies are segregated or classified, and 5 large water bodies exist. Clear? One is Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, and the last one is Southern Ocean. Clear? Okay. Now, see here, it is the world map, and here we can easily understand about different oceans and their location. Clearly, आप मेरे साथ बने रहिए, आपका ocean का concept पूरी तरीके से clear हो जाएगा. Okay, first of all, we will talk about Pacific Ocean. देखिए, ये वाला है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा country, Russia. Okay? It is the world's largest country. It is the world's largest country in the world, which is Russia. And this one is we call as Pacific Ocean. This one is what? This one is Pacific Ocean. Okay? It is the largest ocean in the world. Yeh ho gaya aapka Pacific Ocean. कहां पर है? इट इज पैसिफिक ओशन. अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट में, इन रेफरेंस टू इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया पैसिफिक ओशन आता है. अगर हम ये अमेरिका की बात करें, ठीक है, ये वाला दैट इज नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कौन से साइड में है? वेस्ट में आता है आपका पैसिफिक ओशन, और ये पूरा रीजन हो गया आपका एशिया, ठीक है, ये वाला हो गया ऑस्ट्रेलिया. एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कौन से साइड में है? ईस्ट में. एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपका कौन क्या ओशन आता है? पैसिफिक ओशन. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आता है पैसिफिक ओशन. क्लियर? एंड नाउ वील टॉक अबाउट सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, विच इज एटलांटिक ओशन. ये वाला जो एस शेप आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज एटलांटिक ओशन. इसका अगर हम मैप वाइज इसका लोकेशन ढूंढने की कोशिश करें, तो इसका लोकेशन होता है, आप ध्यान से फॉलो करिए, ठीक है, ये वाला ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एंड अफ्रीका के वेस्ट में है, एंड यूरोप के वेस्ट में है. क्लियर? देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, विच इज इंडियन ओशन.
साउथ ऑफ इंडिया, ये है हो गया हमारा प्यारा भारत, भारत के साउथ में, भारत के साउथ में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, अफ्रीका और मेडागास्कर के ईस्ट में, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, क्लियर। देन वील टॉक अबाउट आर्कटिक ओशन, ओके। आर्कटिक ओशन का अगर हम लोकेशन देखें कहां पर है, इट इज नॉर्थ ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में है, यूरोप के नॉर्थ में है, रशिया के भी नॉर्थ में ही आता है, ओके। देन द लास्ट वन इज साउदर्न ओशन, ठीक है। साउदर्न ओशन एक्चुअली क्या होता है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी मैं बता रहा हूं, ये वाला हिस्सा है आपका एंटार्क्टिका, क्लियर। तो एंटार्क्टिका के नॉर्थ में है, क्लियर, यहां पर भी पाया जाता है, एंटार्क्टिका के ईस्ट में भी पाया जाता है, एंटार्क्टिका के साउथ में भी पाया जाता है, एंटार्क्टिका के वेस्ट में भी पाया जाता है। तो लगभग एंटार्क्टिका को एनसर्कल किए हुए जो ओशन है उसे हम मोर और लेस कह सकते हैं कि साउदर्न ओशन है। दैट इज व्हाई दिस ओशन इज ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन, क्लियर। सो वी विल नाउ मूव इन टू द डिटेल्स, एक एक करके पूरा डिटेल देखेंगे, ओके। सो वाई देर इज डिफरेंस बिटवीन द ओशंस एंड सी, ओशंस और सी के बीच में डिफरेंस क्यों है, क्यों डिफरेंशिएट किया गया है, बेस्ड ऑन द डेप्थ, देयर एरिया एंड द प्रेजेंस ऑफ मैन इन लाइफ इन टू दैट वॉटर बॉडी, इसी के वजह से ओशंस और सी को डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट ओशन है उसका नाम है पैसिफिक ओशन, उसका जो लार्जेस्ट डेप्थ है विच इज 10,924 मीटर। जब हम पैसिफिक ओशन पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट ओशन है उसका डेप्थ है 5,625 मीटर। एवरेज डेप्थ ऑफ पांचों ओशन का एवरेज डेप्थ अगर हम ले ले तो 3,688 होता है, ठीक है। और सबसे डीपेस्ट सी जो है वो है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी कहां पर है, कैरिबियन सी है आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्लियर, ओके। नाउ एरिया वाइज भी अगर हम देखें तो ओशंस लार्ज एरिया कवर करते हैं और जो सी है वो स्मॉलर एरिया कवर करता है। तो सबसे बड़ा जो ओशन है उसका अगर हम एरिया देख ले, उसका एरिया आप लोग ध्यान से फॉलो करिए, ये ऊपर लिखा गया है, इसका एरिया देख सकते हैं आप लोग, 60,700 square miles, whereas जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, whereas जो मेडिटेरियन सी है उसका अगर आप देखेंगे तो कितना है, 1,144,800 square miles, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट आर द मैरीन लाइफ प्रेजेंट्स, तो ज्यादातर मैरीन लाइफ समुद्र में ही पाया जाता है, ओशंस के तुलना में अगर हम देखें तो मैरीन लाइफ ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, सीज में पाए जाते हैं। इसका रीजन यह है कि द सीज आर शेलो इन कंपेरिजन टू द ओशन, ओशंस आर डीप एंड सीज आर शेलो, दैट्स वाई द सनलाइट कैन रीच डीप डाउन द ओशनिक फ्लोर विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ phytoplanktons which can produce their own food with the help of photosynthesis, and this food act as the nutrient for the survival of the marine life. That's why more marine life exist in sea in comparison to oceans, clear। किसी को अगर समझ में नहीं आया फिर से मैं बता रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं, ओके कि समुंदर में क्या होता है, वाटर बॉडी जो है, समुंदर का जो वाटर डेप्थ है वो शेलो है, जिसकी वजह से सनलाइट पूरा एकदम ओशन फ्लोर में पहुंच पाता है, एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एल्गे एज वेल एज फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स दीज आर मैरीन प्लांट्स, ये मैरीन प्लांट्स दूसरे जो जीव है, मैरीन एलिमेंट एनिमल है, उनके लिए खाना बन जाता है, और इसके वजह से ज्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कहां पर, समुंदर में, इन कंपैरिजन टू ओशंस, क्लियर, ओके। नाउ दीज आर द फाइव ओशंस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इनका एरिया भी बता चुका हूं, लोकेशन भी बता चुका हूं, अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट
पैसिफिक ओशन. क्या बात कर रहे हैं? पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं. सो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है आपका पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में ये वाला यहां पर आपका आता है बेरिंग स्ट्रेट. ये बेरिंग सी है. बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट याद रखना, स्ट्रेट. व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर पैसेज कनेक्टिंग टू मास और लार्ज वाटर बॉडीज. समझ लो कि ये एक वाटर बॉडी है और ये एक वाटर बॉडी है, और ये जो नैरो पतली सी लाइन दिखाई दे रही है पानी का, ठीक है, जो दोनों वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट. तो पैसिफिक ओशन को किससे कनेक्ट करते हैं? आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट. तो नॉर्थ में अगर हम पैसिफिक ओशन की बाउंड्री को देखें तो वो है बेरिंग सी एज वेल एज बेरिंग स्ट्रेट. अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो हमारा आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिका. क्लियर? अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वी हैव जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और साउथ में आता है आपका साउदर्न ओशन. ठीक है, साउदर्न ओशन, दैट्स इट. इसका बाउंड लोकेशन हो गया. क्लियर? और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एंड इट इज द बिजिएस्ट स्ट्रेट. इस स्ट्रेट से ज्यादातर जो दुनिया की ज्यादातर ट्रेड, मोर देन 90% ट्रेड जो है वो वही मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरती है. मलक्का स्ट्रेट लगभग, मैं अगर आपको दिखा दूं, मलक्का स्ट्रेट यहां पर होगा, यहां पर इंडोनेशिया के पास, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ही आता है, और यहां पर एक बहुत अच्छा कंट्री ग्रो किया है ड्यू टू दैट मलक्का स्ट्रेट ओनली, एंड दैट इज सिंगापुर. क्लियर? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मलक्का स्ट्रेट विच इज कनेक्टिंग पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन. क्लियर? पैसिफिक ओशन और इधर आप जो कनेक्ट करता है साउदर्न ओशन. अभी आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये अलग अलग क्यों है, कि साउदर्न ओशन एक ही वाटर बॉडी कनेक्ट कर रहा है तो साउदर्न ओशन अलग क्यों है, पैसिफिक ओशन अलग क्यों है? रीजन वही है कि जैसे आप नदी देखते हो कि नदियां बहती है, नदियां बहती है कि नहीं, उसी तरीके से ओशन में भी पानी का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है. एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप समझ सकते हो कि द रिवर्स ऑन द ओशंस, ठीक है, देयर इज फ्लो ऑफ वाटर इन द ओशन एंड इट इज ड्यू टू द ओशनिक करंट्स. अगर आपको ओशनिक करंट्स के बारे में जानना है आप कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट कर देना, मैं ओशनिक करंट के ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगा. ठीक है, ओके. नाउ विल मूव इनटू सम अदर ओशंस. पैसिफिक ओशन के बारे में हमने जान लिया. सो हियर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटास है, आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो. ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इसे पढ़ लेना. ओके, सो मैं तो जस्ट बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट एक्सेस, वाटर एक्सेस क्या क्या है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वाटर एक्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं, जैसे कि ताइवान हो गया आपका, ताइवान है, ओके, सिंगापुर है, टॉरेस स्ट्रेट है. टॉरेस स्ट्रेट आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है जो साउदर्न ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर लेता है, टॉरेस स्ट्रेट. ठीक है, ओके. नाउ अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो सबसे डीपेस्ट जो ट्रेंच है, ट्रेंच, जब हमें पूरा ओशनियोग्राफी पढ़ाऊंगा, ओशन का सी बेड पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ओशनिक ट्रेंच क्या होता है. ट्रेंच एक्चुअली मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, ट्रेंच क्या होता है. ओशन में सबसे डीप जो जगह होता है ओशनिक फ्लोर में, इसको कहते हैं ट्रेंच. ठीक है, और पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच. क्या है? मेरियाना ट्रेंच. लगभग इसका जो डेप्थ है 11,000 मीटर.
कितना बोला मैंने 11,000 मीटर अप्रोक्सीमेटली, क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं द एक्सटेंट एज वेल एज पैसिफिक ओशन का डेप्थ। पैसिफिक ओशन में क्या क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, उसका बाउंड्री बता चुका हूं, ठीक है? ओके, सो दीज आर गायरे। गायरे क्या होता है? सर्कुलेशन, पूरा सर्कुलर फॉर्मेशन। ये देखना, ये अगर हम देखें, ये नॉर्थ पैसिफिक है, यहां पर देखिए पूरा ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, इसे कहते हैं हम लोग वार्म करंट, मतलब गर्म पानी का स्रोत। और ब्लू कलर से जो दिखाया गया है यह है कोल्ड करंट। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट का जो सर्कुलेशन हो रहा है यहां पर पूरा, और बीच में जो जगह बन जाती है इसे बोलते हैं गायरे, ठीक है? यहां पर जैसे नॉर्थ अटलांटिक में भी एक गायरे बन जाता है, यहां पर इसको बोलते हैं सरगासो सी, सरगासो सी, ठीक है? और हर एक चीज में बता रहा हूं, ये वार्म करंट और कोल्ड करंट जहां पर मिलती है वहां पर दुनिया का सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होता है। ओके, सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड कहां पर क्रिएट होता है? सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड है आपका मीटिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड करंट एंड वर्म करंट। ओके, तो ये करंट क्या है? फ्लो ऑफ ओशनिक वाटर, अंडरस्टूड? सो हियर मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट मरियाना ट्रेंच, जापान से थोड़ा नीचे, ठीक है, जापान से थोड़ा नीचे ये वाला हिस्सा है मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट प्लेस इन द ओशनिक बेड, 11,000 मीटर, समझ में आ रहा है? 11 किलोमीटर डीप है, अंडरस्टूड? ओके, नाउ तो सम ऑफ द फैक्ट्स, ये जो मरियाना ट्रेंच वाला हिस्सा है यहां पर जो पानी है, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, लगभग फ्रीजिंग पॉइंट के नजदीक, ठीक है? द ट्रेंच इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सीबेड, सबसे पुराना सीबेड माना जाता है, एंड इट इज अबाउट 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना भी है, ठीक है? सो वी आर मूविंग इन टू नेक्स्ट ओशन, विच इज व्हाट? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ध्यान से देख लीजिए, यहां पर नॉर्थ में अटलांटिक ओशन कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन के साथ, साउथ में कनेक्ट करती है साउदर्न ओशन के साथ। ओके, तो नॉर्थ बाउंड्री क्या है? आर्कटिक ओशन, और ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा भी है, ग्रीनलैंड। ओके, इसका वेस्ट में, वेस्ट की तरफ अगर हम देखें तो वेस्ट में आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आता है, और ईस्ट की तरफ हम देखें तो अफ्रीका और यूरोप आता है, क्लियर है? सो ये था बाउंड्री एंड लोकेशन ऑफ अटलांटिक ओशन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड द शेप इज एस शेप्ड, ये एस शेप्ड है, क्लियर? इतना अगर आपको पता है तो बेसिक आपका हो गया। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है ये हमने जान लिया, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी है, जैसे बॉस्पोरस स्ट्रेट है टर्की, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है मोरक्को और स्पेन के बीच में, ठीक है? सेंट लॉरेंस सीवे है कनाडा और यूएस को कनेक्ट करने वाला। टोटल एरिया अगर हम देखें तो 76.792 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर? और अटलांटिक ओशन की वजह से हरिकेन्स, जो हमारे भारत में जिस नाम से जानते हैं साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स भी आते हैं, क्लियर? ओके, नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आर ऑल्सो देयर, लैब्राडोर सी इज देयर, लैब्राडोर सी, ठीक है? उसके बाद आपका सरगासो सी हो गया, ये सारे कहां पर है? सरगासो सी, लैब्राडोर सी, ये सारे ही आपका अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, क्लियर? उसके बाद ये जो लिखा हुआ है कि डेनमार्क स्ट्रेट कोस्टल पोर्शंस ऑफ बाल्टिक सी फ्रॉम अक्टूबर टू जून, बाल्टिक सी कहां पर है? यूरोप में है, तो यूरोप को कनेक्ट करता है, बाल्टिक सी भी कनेक्ट हो जाता है, कैसे? डेनमार्क स्ट्रेट के थ्रू किसके साथ कनेक्ट होता है? अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्लियर? एंड वार्म वाटर एंड आपका कोल्ड करंट, कोल्ड वाटर करंट जहां पर मिलते हैं उधर गायरे भी फॉर्म हो जाता है, क्लियर है? तो गायरे क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, अंडरस्टूड?
So here we will talk about Indian Ocean. This is the third largest ocean in the world. तीसरा सबसे बड़ा ocean है. इसका भी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसका भी थोड़ा location देखते हैं. Okay, location अगर हम देखें, इसका location ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत. Okay, इसको बोलते हैं पनामा कैनल. Not पनामा, it is one of the strait जो किसके बीच में है, आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है. ओके, ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. ओके, नाउ इंडियन ओशन का नॉर्थ में अगर हम देखें तो इंडिया है, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो बे ऑफ बंगाल है. अरेबियन सी आपका कहां पर है, अरेबियन सी है आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ. अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो मडागास्कर आइलैंड है, उसके बाद आपका अफ्रीका है. देन ईस्ट की तरफ अगर हम देखें तो ईस्ट की तरफ आपका मिल जाता है ये इंडोनेशिया वाला हिस्सा. देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया. और साउथ की तरफ अगर हम आए तो देखें तो ये वाला हिस्सा है, हो गया आपका साउदर्न ओशन. क्लियर है? ओके, सो लोकेशन हमने जान लिया. यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब. जब मैं स्ट्रेट्स पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से पूरे स्ट्रेट्स को कवर कराऊंगा. स्ट्रेट्स एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रेट्स इज नथिंग बट ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज. ठीक है, ये वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो रेड सी, ये वाला है आपका रेड सी, रेड सी और आपका इंडियन ओशन बोल सकते हैं, इंडियन ओशन का ही पार्ट हो गया आपका अरेबियन सी. तो अरेबियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है ये आ गया बाब अल मंदेब. ओके, ये आ गया आपका पर्शियन गल्फ. तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाला ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. क्लियर? सो दीज आर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया. आप लोगों का एक टास्क दे रहा हूं, आपको ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नैरो पैसेज है इसका नाम कमेंट बॉक्स में डालना है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. इंडियन ओशन पांच थर्ड लार्जेस्ट है. इसमें देख लीजिए स्यूज कैनल है, ये मैनमेड कैनल है, डू रिमेंबर मैनमेड कैनल जो इजिप्ट के इजिप्ट से होके हुए रेड होते हुए रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है. रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है. क्लियर? और ये जो आपका स्विच कैनल है आपका एशियन बोल सकते हो, एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी का नाम आपका हो गया स्यूज कैनाल. उसके बाद बाब अल मंदेब के बारे में बताया जो जिबूती और यमन के बीच में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है. उसके बाद आ गया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है. क्लियर? टोटल एरिया अगर हम देखें तो 68.556 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ओके, नाउ जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर ओशन विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन भी कह सकते हैं इसको, विच इज आर्कटिक ओशन. क्लियर? आर्कटिक ओशन की अगर हम, ये वाला हो गया आपका आर्कटिक ओशन, इसका बाउंड्री देखें तो ये हो गया आपका रशिया, यहां पर है आपका अलास्का जो यूएस का पार्ट है, कनाडा, देन वी हैव ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है, आइसलैंड इटसेल्फ इज ए कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. सो ये सब कंट्रीज घेरे हुए है आर्कटिक ओशन को. ज्यादातर लगभग 8 से 9 महीना ये आर्कटिक ओशन फ्रीजिंग पॉइंट में रहता है बिकॉज इट इज इन द पोल्स. ये कहां पर है, पोल्स में है. कौन सा पोल में है, नॉर्थ पोल में है.
इसी की वजह से ज्यादातर महीने, साल के ज्यादातर महीने में ये फ्रीजिंग कंडीशन में रहता है। इसीलिए क्या होता है कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। बट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग द आर्कटिक ओशन इज मेल्टिंग। ओके, इसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है, इससे ये जो जितने भी कंट्रीज है इनका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन आसान रहेगा, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे, कम्युनिकेशन खुल जाएगी। एंड पोटेंशियल्स जो है सी बेड के अंदर, बहुत सारे नेचुरल गैस, नेचुरल क्रूड ऑयल्स, ठीक है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, पाया जाता है। सो ये सब बहुत आसानी से मिलने लगेगा। बट इसका और बैड इफेक्ट भी है, इससे सी लेवल राइज करेगा, इनंडेशन ऑफ वाटर होगा, वाटर लॉगिंग की सिचुएशंस बहुत ज्यादा बनेंगे। ओके, सो मैं ये बता चुका हूं आर्कटिक ओशन के बारे में, क्लियर। अभी हम लोग जानेंगे लास्ट हमारा जो ओशन है विच इज साउदर्न ओशन। ओके, ये आ गया आपका साउदर्न ओशन, ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका साउदर्न ओशन। ओके, साउथ ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट नॉर्थ ऑफ एंटार्क्टिका। इसका और एक मैं दिखा रहा हूं, वो ध्यान से देखना, हाँ यहां पर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए साउदर्न ओशन, इसे एंटार्क्टिक ओशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज सराउंडेड 60 डिग्री, एक्चुअली कहां पर पाया जाता है, 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या 60 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड, ये नॉट नॉर्थ लेटीट्यूड, इट इज 60 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड में, ये वाला हिस्सा आप कह सकते हैं कि ये कौन सा ओशन है, साउदर्न ओशन है, क्लियर है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं साउदर्न ओशन के बारे में। देखिए साउदर्न ओशन, इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है, द पोर्शन ऑफ पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन ओशन एंड देयर ट्रिब्यूटरी सीज सराउंडिंग एंटार्क्टिका, अनब्रोकन बाय एनी अदर कॉन्टिनेंटल लैंडमास, द साउदर्न ओशन्स नैरोएस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन इज द ड्रेक पैसेज, 600 माइल्स अबाउट 1000 किलोमीटर बिटवीन साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका पेनिनसुला के बीच में जो पैसेज है इसको कहते हैं ड्रेक पैसेज। मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से फॉलो करना, ये आपका ये वाला पैसेज जो है इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज। ये हो गया नॉर्थ ऑफ एंटार्क्टिका एंड ये साउथ ऑफ साउथ अमेरिका, और बीच में जो पैसेज है, ठीक, इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। पैसेज क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, स्ट्रेट तो एकदम नैरो हिस्सा होता है, दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना है के लिए, और पैसेज थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ओके, और एज वेल एज इट इज सेपरेटिंग, ड्रेक पैसेज इज सेपरेटिंग द लैंड मास ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल एज लैंड मास ऑफ एंटार्क्टिका, जो हमेशा ही फ्रीजिड रहता है एंटार्क्टिका, क्लियर। सो ये था हमारा ओशनिक लेक्चर। अगर आपको ओशंस के बारे में अच्छे से मालूम पड़ गया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स पर बता देना, और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, वो क्वेश्चन आप आंसर वीडियो के अंत में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सो दैट्स इट, गुड बाय।